हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने प्लांट में यूफोर्बिया मिली से ज़्यादा फ्लावर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट में बहुत सारे वैरायटीज़ के पौधे आते हैं और ये मेरे पास जो है वो थोड़ा सा रेडिश कलर का है और इसमें आपको येलो कलर, पिंक कलर, वाइट कलर और एक आता है जिसके हाइब्रिड वैरायटी वो रहती है, उसकी लीव्स जो है वो छोटी छोटी सी रहती हैं और उसमें फ्लावर्स भी छोटे छोटे से आते हैं। और एक और होता है वो थॉर्नलेस वैरायटी होता है, उसमें इस तरीके के कांटे नहीं होते हैं। तो आप नर्सरी से कोई भी बाय करके ला सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है वो सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इसको लोग कैक्टस भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सकुलेंट फैमिली के मेंबर है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है और ये छोटे से छोटे गमले में भी अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आपको इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा रखनी होगी और आपको बिल्कुल वेल ड्रेन ऐसा सॉइल बनाना है जो आपके हाथ में बिल्कुल सटे नहीं, और इस तरीके की मिट्टी बनानी है आपको इसके लिए। तो आप इसमें 1 part sand लीजिए, 2 part sand ले सकते हैं, 1 part soil ले सकते हैं और कंपोस्ट भी थोड़ी ज़्यादा लीजिए क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। और गर्मी के मौसम में फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन थोड़े उसके कलर फेड हो जाते हैं और अभी इसके कलर काफ़ी ज़्यादा खिल के आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और इसको वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको वाटरिंग बिल्कुल चेक करके देना है जब तक इसकी 1 inch की लेयर सूख ना जाए इस मिट्टी की। अभी ठंड का मौसम है तो अभी मैं इसमें 5-6 दिन तक पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, तब भी ये चल जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी जो ये स्टेम है वो क्या होती है, वो गलना शुरू हो जाती है। तो इस प्लांट का सबसे बड़ा यही होता है कि इसमें जल्दी गलने लगता है अगर आप पानी का ध्यान नहीं देंगे तो। और बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अगर आपके प्लांट में ऐसा हो रहा है तो आप अपने प्लांट में जो भी लीव्स है जो, तो थोड़े एक दो लीव्स हटाइए यहाँ से, जैसे कि मैं एक लीव्स हटा दूँगी, हटा देती हूँ अभी। इस तरीके से आप एक दो लीव्स बीच बीच से हटा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि प्लांट जो है वो बर्ड्स बनाने में ज़्यादा अपने एनर्जी ने लगाएगा और जो पत्तियां हैं उसको कम लगाएगा। और अगर फिर भी आपके प्लांट में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए कि आप जो भी अगर आपके स्टेम प्लांट के वो लेगी से हो रहे हैं तो उसको क्या करिए कि यहाँ से कट कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ से कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट में 2 branches निकलेगी और अच्छे से फिर फ्लावरिंग बर्ड्स बनेगा और फ्लावरिंग होगा। और आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जब ये मिट्टी सूख जाए तो आपको बीच बीच में इसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है। जब ये मिट्टी आपको सूख जाएगी तब आप इसमें अच्छे से गुड़ाई करिए और उसके बाद आपको क्या करना है, ये है DAP। ये DAP आपको इस प्लांट के साइड में अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इस प्लांट में आपको अच्छे से देना है। अगर आपका 10 से 12 इंच का गमला है तो इसके आप 8 से 10 दाने सिर्फ इस प्लांट को देना है। उससे इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे इसके स्टेम निकलने लगे हैं, ब्रांचेस, और इसमें फ्लावरिंग के लिए बर्ड्स भी निकलना शुरू हो गई है। तो आप इस DAP को दीजिए, इस प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप ऑर्गेनिकली चलना चाहते हैं तो आप इसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो सब भी आप टाइम टू टाइम इस प्लांट को देखते चलिए। और सनलाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, जहाँ पे इसको अभी विंटर्स का टाइम है तो आप इसको पूरी सनलाइट दीजिए जहाँ पे 5 से 6 घंटे की इसको सनलाइट मिले। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इस प्लांट को बस यही इफ़ेक्ट करता है वो है वाटर। आप इसमें जितनी कम वाटरिंग करेंगे उतना ही ये प्लांट को अच्छा लगेगा क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आपने ज़्यादा पानी डालना शुरू किया तो ये प्लांट गलने लगेगा और ख़राब हो जाएगा आपका प्लांट। ठंड में तो ऐसे ही प्लांट्स को पानी चाहिए, लेकिन उसका इंटरवल थोड़े ज़्यादा दिन पे रखिए। जैसे कि मैंने अभी इस तरीके की मेरी मिट्टी है जो हल्की हल्की मॉइस्ट है, तो मैं अब इसमें 10 दिन तक या 5-6 दिन तक तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। उसके बाद अगर मुझे ड्राई लगेगा तभी डालूंगी। तो आपको इस प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना है कि आपको इसमें पानी नहीं देनी है
और ये फ्लावरिंग प्लांट है तो आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए बहुत अच्छे से, जैसा कि मैंने कहा DAP दीजिए, मस्टर्ड केट फर्टिलाइज़र दीजिए, बनाना पील फर्टिलाइज़र दीजिए और ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा बस आज का वीडियो, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।